नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम साइंस क्लासेस में। मेरा नाम है राहुल सोनी। पिछले 3-4-5 सालों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो हो गया अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं मुद्दे की बात की। मुद्दे की बात ये है कि आज अपन कक्षा 12 का, क्लास 12th का मैथ्स का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। एक बार में जिसको समझ में आ गया तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा इसको। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, कैसे अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। आज अपन हो सकता है बेसिक सा 13.1 भी शायद अपना पूरा कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि इसका पूरा जो बेसिक जो निचोड़ है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिएगा प्रोबेबिलिटी आखिर में बहुत ही क्या चीज़ है। अपन 10th क्लास तक पूरी चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं। 10th क्लास में पूरी चीज़ें अपन को पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो अपन इसको पूरे बेसिक से नहीं समझेंगे, अपन इसको बस इतना देखेंगे प्रोबेबिलिटी में 12th क्लास में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं ये समझाने बैठूंगा कि भाई एक मैंने एक सिक्का लिया है, एक कोई सिक्का है जिसको मैं टॉस कर रहा हूँ, एक सिक्का है जिसको मैं टॉस कर रहा हूँ, तो उस पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भी? हेड आने की 1/2 और टेल आने की भी 1/2। तो ये सारी बातें आपको पता है, आप 12th में हो चुके हो, आपने मैथ ले रखी है, तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के। एक बेसिक सा टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी का, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेट्स। अब कई बच्चों की ये 12th में है क्योंकि ये 11th का एक टॉपिक है सेट्स। बहुत सारे बच्चों की इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे अपन। बस सेट्स होते क्या हैं, इसमें एक नाम आएगा सेट्स का। तो बच्चों देखो सेट्स क्या होते हैं, किसी भी कोई चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो मैं कह दूँ कि भाई एक मैंने कोई, जैसे कि मैंने कोई एक मैंने कोई डाइस थ्रो किया है। उस डाइस को थ्रो करने के बाद मेरे पास जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये होता है बच्चों अपना सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को अपन थ्रो करते हैं। जैसे सिक्का मैंने थ्रो किया है, एक सिक्का अगर मैंने थ्रो किया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड पॉसिबल या फिर टेल पॉसिबल है। मतलब कि उसकी संभावना कौन कौन सी हो सकती है उसको अपन सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब देखो भाई, कोई भी वास्तविक संख्याओं का जो सुयोजित जो तरीका होता है, एक अच्छे ढंग से उसको किस प्रकार से अपन संयोजित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेट्स। तो सेट्स क्या होते हैं, किन्हीं भी वास्तविक चीज़ों का संग्रह, सुव्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। आई रिपीट, किन्हीं भी वास्तविक संख्याओं का सुव्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। चलो ठीक है भाई, अब इसमें अपन बात करेंगे, इसमें सेट्स का ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो जो प्रोबेबिलिटी में काम आती है वही चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी आप आने वाले जो क्लासेज होगी उसमें मैं 11th क्लास के भी बहुत सारे टॉपिक्स डालूंगा, उसमें अपन सेट्स भी पढ़ेंगे। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि भी सेट्स क्या होते हैं तो 11th क्लास के जो चैप्टर हैं उनमें देख सकते हो। चलो भाई देखो, इसमें एक तो नाम आएगा यूनियन, एक आएगा इंटरसेक्शन। हिंदी में थोड़ी गलती हो तो माफ करना भी, इंटरसेक्शन। तो अपन सीखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन होते क्या चीजें हैं। तो बच्चों देखो, यूनियन की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट्स है, एक कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड बी कोई सेट है मेरे पास 2, 4, 6, 8 एंड सी कोई सेट है मेरे पास 1, 3, 5, 7। ये तीन मेरे पास कोई सेट्स हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भी एक ए यूनियन बी एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं। तो ए यूनियन बी क्या होता है अपने पास। यूनियन का मतलब अपन समझेंगे पूरा। इसको जितना खुद की लैंग्वेज में पढ़ोगे उतना जल्दी आपको याद होगा, जितना खुद की लैंग्वेज से समझोगे मैथ को उतना जल्दी ये कवर होता जाएगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा। मतलब कि जो जो ए में आ रहा है और जो बी में आ रहा है वो सारा कुछ लिखना होता है अपन को। जो ए में आ रहा है जी जो बी में आ रहा है वो सारा कुछ लिखना होता है जो ए में आ रहा है और जो बी में आ रहा है वो सारा कुछ लिखना होता है लेकिन जो चीज़ें रिपीट हो रही है, जैसे 2, 4, 6 रिपीट हो रहा है, तो उसको एक एक बार ही लिखना है, दो दो बार इसको नहीं लिखना होता। तो अपन क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8।
क्या क्या आएगा इसमें, ए और बी पूरा आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा, ए और बी पूरा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 4 6 तो आ ही गया, एक अकेला कौन बच गया, 8 बच गया, तो 8 भी इसमें शामिल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन, कोई भी कॉमन चीज, कोई भी कॉमन चीज क्या कहलाती है, इंटरसेक्शन कहलाती है। कोई भी कॉमन चीज क्या कहलाती है, इंटरसेक्शन कहलाती है। कोई भी कॉमन चीज क्या कहलाती है, इंटरसेक्शन कहलाती है। ए और बी में कॉमन क्या है, ए में कॉमन है 2 2 4 4 6 6, इसमें क्या क्या आएगा, 2 4 6, बात खत्म। तो आशा करता हूं कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन अच्छे समझ में आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा, जो जो चीजें आ रही है वो सारी आएगी, बस रिपीट होने वाली एक एक बार आएंगे, जो जो चीजें आ रही है वो सारी आएगी, बस रिपीट होने वाली एक एक बार आएंगे। बात कर रहा हूँ इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में पूरी चीजें, इंटरसेक्शन में पूरी चीजें नहीं आएगी, बस जो जो कॉमन चीजें हैं उसकी वो सारी चीजें आ जाएंगी। कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है 4 कॉमन है एंड 6 कॉमन है। तो ये तो बात हो गई अपनी यूनियन की और इंटरसेक्शन की। अब देखो भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, ये सारी चीजें इसमें काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं ये चीजें बता देता हूँ, उसके बाद अपन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट बात में अपन एक फॉर्मूला होता है, वो कृपया आप नोट कर लीजिए, इसमें पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी का ये एक फॉर्मूला होता है, पी ए मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का सम जो होता है उसमें से अपन माइनस करेंगे पी ए यूनियन बी, तो अपन को क्या मिलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा। आ रही है बात समझ में? मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। चलो भाई इसको समझते भी ये कैसे होता है। देखो मान लो मेरे पास ए इक्वल्स टू है 2 4 6 2 4 6, उसका सैंपल स्पेस मैंने मान लो कोई क्वेश्चन मैंने लिया है कि भी मैं किसी एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, समझना इस बात को कि भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक किसी डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, आई थ्रो ए डाइस। अगर मैं किसी एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो उसका सैंपल स्पेस देखो क्या बनेगा भाई, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, किसी डाइस को थ्रो करने के बाद कौन कौन सी संख्याएं अपन को मिल सकती हैं, तो क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये बोल रहा है भी किसी भी टाइम जब मैं चेक कर रहा हूँ तो उस पर ए मैंने कोई प्रोबेबिलिटी मान ली कि वो उस पर क्या आना चाहिए, एक ओड नंबर आना चाहिए, एक ओड नंबर। तो इसमें ओड नंबर कौन कौन से है, 1 3 5 1 3 5, एंड बी क्या हो सकता है, बी मैंने मान लिया कोई इवन नंबर है, मतलब कि सम संख्या है 2 4 6, ये लो ठीक है। अगर मैं निकालना चाहूँ कि यहाँ पर भाई पी ए क्या होता है, चेक करना भाई यहाँ पर पी ए क्या होगा, पी ए का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ए कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ ए कितना आएगा 1 2 3, नंबर ऑफ एस कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 है, नंबर ऑफ ए कितना मेरे पास 3 और नंबर ऑफ एस कितना मेरे पास 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। चलो ठीक है भाई, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ पी बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब कि विषम, सॉरी सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है जब मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ, तो कितना आएगा भैया, नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी कितना है 1 2 3 3, और नंबर ऑफ एस कितना है मेरे पास 6 है, कितना आएगा 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपके। चलो भाई अगर मैं देखूँ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पर, या सपोज करो मैं यहाँ पर निकालूँ ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी कितना है, ए और बी में पूरी चीजें, यूनियन का मतलब कहता है पूरा लिखना होता है, बस जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, तो ए और बी में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा फिर 5 आएगा फिर 6 आएगा, तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6,
1, 2, 3, 4, 5 and 6। चलो ठीक है भाई, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ, पी ए यूनियन बी की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो क्या आएगी मेरे पास? देखो 6 नंबर ही इसमें है और 6 ही एस में है, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको 10th क्लास में पढ़ाया हुआ होगा अच्छे से। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या मेरे पास? ये रहे, संभवतः जो अपनी घटनाएं होती हैं उनकी संख्या अपॉन में जो टोटल जो घटनाएं होती हैं उनकी संख्या। तो क्या होगी ये? 6/6=1, 6/6=1। अब एक बार चेक करो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी आता है या फिर नहीं आता? चलो भी चेक करते हैं। अपन बात कर रहे हैं पी ए प्लस पी बी, पी ए की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 और माइनस का 1 इक्वल्स टू अपन क्या निकाल रहे हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं। 1/2 प्लस 1/2, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, कितना आएगा ये? 0, पी ए इंटरसेक्शन बी। आइए एक बार जरा चेक करूँ, मैंने क्या बताया था? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है? ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कि जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में कॉमन है। तो भैया इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? कुछ भी तो कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 0। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा अपने पास? 0 आएगा। क्लियर इतनी बात? तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। चलो भी नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं अपन यहाँ पर। अब ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है। इसमें अपन बात करेंगे पी ए अपॉन बी की। पी ए अपॉन बी का मतलब समझना, पी ए अपॉन बी का मतलब समझना। यहाँ पर पी ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है? जब बी ज्ञात है, जब अपन को बी पता है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब अपन को बी पता है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब बी पता है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसमें क्या बोलेंगे अपन? कि बी पता है, बी अपन को ज्ञात है, ठीक है ना, और ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ए की प्रायिकता पूछ रहा है कि ए की प्रायिकता क्या होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। याद कैसे करना है? कि जब भी पी ए अपॉन बी आएगा, जब भी पी ए अपॉन बी आएगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन अपॉन में पी बी नीचे वाला जो है वो एज इट इज आएगा। ऐसे मान लो मैं ये कह दूं पी बी अपॉन ए का मतलब क्या होगा? कि भी ए तो मेरे को मालूम है, ए की प्रायिकता तो मेरे को मालूम है, आप तो बी आने की प्रायिकता बताओ, आप बी आने की प्रायिकता बताओ। ये अस्वतंत्र घटना होती है, ठीक है ना। एक तो होती है इसमें स्वतंत्र घटना, एक होती है अस्वतंत्र घटना। तो अस्वतंत्र घटना की अपन बाद में बात करेंगे, बहुत विस्तृत से इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझो बी अपॉन ए का मतलब क्या होगा? जो नीचे आ रहा है वो अपन को ज्ञात होता है, वो अपन को ज्ञात होता है। तो क्वेश्चन में जहां भी आपको ये दिख जाए कि भाई ये चीज ज्ञात है, इसका मतलब समझ जाना वो क्या है? नीचे वाली चीज है। इसका मतलब वो क्या है? नीचे वाली चीज है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, सारी चीज बताऊंगा। तो पी बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और बी में कॉमन चीज़ और बी और ए में कॉमन चीज़, बात तो एक ही है। ए और बी में कॉमन चीज़ और बी और ए में कॉमन चीज़, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर देखते अपन नेक्स्ट चीज़। चलो भाई 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो 13.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो अपने पास देखो क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपने पास पी ई की वैल्यू दे रखी है अपन को, पी ई दे रखा है कितना है? 0.6। पी ई अपने पास 0.6 है, पी एफ मेरे पास 0.3 है, पी एफ मेरे पास 0.3 है, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास 0.2 है। 0.2 है
तो अपन को ये पूछ रहा है कि भाई इसमें पी ई अपॉन एफ निकालो, पी ई अपॉन एफ आप निकालो, पी ई अपॉन एफ आप निकालो। चलो देखो, अभी अपन ने पढ़ा था कि पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए अपॉन बी क्या होता है। मैंने बताया था कि इन दोनों का तो इंटरसेक्शन ले लेना, ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे वाली चीज़ आ रही है वो एज इट इज रहेगी, पी बी। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में नीचे वाली चीज। ओके, ये बोल रहा है पी ई अपॉन एफ क्या होगा, पी ई अपॉन एफ का मतलब क्या होगा भाई, पी ई अपॉन एफ इसका सॉल्यूशन देखिए अगर अपन, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में पी नीचे वाली जो चीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है मेरे पास, 0.2, और पी एफ मेरे पास कितना आ रहा है, 0.3। वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.23। ये इसका फाइनल आंसर है। आ रही है बात समझ में, पी ई अपॉन एफ का मतलब क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे वाली चीज़ की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें ये बोल रहा है पी एफ अपॉन ई निकालो, पी एफ अपॉन ई निकालो। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलो ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पी ए अपॉन बी याद कीजिए, पी ए अपॉन बी पूछ रहा है अपन को, चेक करना, पी ए अपॉन बी। चलो भाई, पी ए अपॉन बी याद कीजिए, यदि पी बी के लिए मेरे पास 0.5 है, पी बी कितना है मेरे पास, 0.5। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 0.32 है, पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 0.32 है। क्लियर है इतनी बात। अब ये बोल रहा है कि भाई इसमें आप पी ए अपॉन बी निकालो। अब कई बच्चों की कन्फ्यूजन इसमें ये होता है कि सर इसमें तो पी ए तो दे ही नहीं रखा, अरे तो बेटा चाहिए भी क्यों इसमें, इसमें तो अपन को पी ए चाहिए ही नहीं। अपन को पी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। आ रही बात, तो इसमें ए कहाँ आया, अपन को ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए होता है। अगर इसमें बात करता है कि पी बी अपॉन ए निकालो तो हाँ, तब अपन को ए की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें तो कोई ए पूछा ही नहीं है, इसमें तो पी ए अपॉन बी पूछा है, तो अपन को सिर्फ पी बी चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो वो तो उसने साफ साफ दे रखा है ये रहा। आ रही है बात समझ में, तो ये क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो सारी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएंगे आपके आपके पास, 0.32 अपॉन में 0.5 कितना होगा भैया, 32 अपॉन में 50, तो 16 अपॉन में 25, ये आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ये पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी अपन को दे रखा था, पी ए अपॉन बी पूछा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, अपना आंसर आ गया। चलो ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी बी अपॉन ए अपन को दिया है, तो अपन को देखो दो तीन चीज़ इसमें निकालनी है, दो तीन चीज़ें इसमें निकालनी है, चेक करते भी कैसे निकालेंगे, साथ साथ में आप लिखते भी रहे ना, वरना समझ में नहीं आएंगे बाद में। चलो भी देखते हैं, पी ए दे रखा है 0.8, पी ए दे रखा है अपन को 0.8। ओके, पी बी दे रखा है मेरे को 0.5। ओके, फिर इसने एक चीज़ घुमा के दे दी, वो दे दी अपन को पी बी अपोन ए, पी बी अपोन ए इसने दे दी, वो कितनी मेरे पास 0.4 है, 0.4 है। ओके, अब ये पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, अब ये पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये चीज़ निकालो आप। तो देखो भाई, पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, पी बी अपोन ए दे दिया, तो बेटा जी अपन को तो ये पता है कि पी बी अपोन ए क्या होता है, पी बी अपोन ए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन में पी बी होता है। तो चेक करो एक बार, सारी चीज़ें दे दी क्या इसने, सॉरी यहाँ पर ए आएगा ना, तो चेक करो एक बार सारी चीज़ें दे रखी इसने, इसने पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे को यहाँ पर मिल गया। ओके, अपन क्या करना है, पी बी अपॉन ए चाहिए होता है, तो पी बी अपॉन ए दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है,
पी ए चाहिएगा मेरे को, पी ए दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो सारी चीज़ तो दे दी इसने, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि वी नो देट, वी नो देट। देखो बेटा जी अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि पी बी अपॉन ए क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी बात एक ही होती है, ठीक है। पी ए अपॉन में पी ए, ओके। पी बी इंटरसेक्शन ए कितना दे रखा है अपन को, बी इंटरसेक्शन ए तो अपन को पूछा है, पी बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी बात एक ही है। पी ए कितना मेरे पास 0.8 है, 0.8। पी बी अपॉन ए कितना मेरे पास 0.4 है, 0.4 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.8 इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही है, ओके। ये कितना आएगा मेरे पास 0.32 इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये अपने पास फाइनल इसका आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन अपन को पूछा था इसने कि भाई आप पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड कर सकते हो, तो अपन ने बता दिया ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो इसमें बोल रहा है पी ए अपॉन बी निकालो, पी सेकेंड जो क्वेश्चन है पी ए अपॉन बी निकालो। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अपॉन में बी आ रहा है तो नीचे आप यहाँ पर बी लगा सकते हो, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर बी कर देना। इसकी वैल्यू अपने पास आई गई, ये रही, अपॉन में पी बी लगाना है, पी बी की वैल्यू मेरे पास है ही, ओके। चलो भी नेक्स्ट ये बोल रहा है पी ए यूनियन बी आप कैसे फाइंड करोगे, पी ए यूनियन बी आप कैसे फाइंड करोगे। चलो भाई देखते हैं इसका भी, पी ए यूनियन बी पूछा है, ध्यान रखना भी, और अपन ने निकाला है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला मेरे पास कुछ ऐसा था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। हालांकि उसको मैंने इसको इस साइड लिखा था और इसको इस साइड लिखा था, बात एक ही है, ठीक। चलो भाई पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी होता है। तो बेटा देखो सारी चीज़ें अपने पास है क्या, पी ए मेरे पास है क्या, पी ए मेरे पास बिल्कुल है, कितना है 0.8 है, ये कितना है 0.8 है, ओके। पी बी मेरे पास है क्या, बिल्कुल है, कितना है 0.5 है, 0.5, ओके भी। पी ए इंटरसेक्शन बी है क्या, बिल्कुल है, कितना है 0.32 है, 0.32 है, चेक करो इसको ऐड करो, ये कितना आएगा 1.3 माइनस 0.32 माइनस कर दो इसको, पी ए यूनियन बी अपन निकाल रहे कितना बचेगा 0.98 इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना भी, अगर ये जो वैल्यू है आपकी जीरो से कम आ रही है, ये जो वैल्यू है आपकी जीरो से कम आ रही है या फिर एक से ज़्यादा आ रही है, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, वो जो आपने आंसर निकाला है वो गलत हो गया। क्योंकि क्योंकि क्यों हो गया गलत, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, एक से तो छोटी या बराबर होती है, एक से छोटी या बराबर और जीरो से बड़ी या बराबर। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर नेगेटिव ही तो आ सकता है, क्यों आ सकता है भाई नेगेटिव, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू ही मेरे पास जीरो से कम ज़्यादा होती है, सॉरी उसकी वैल्यू ही जीरो से ज़्यादा होती है और एक से कम होती है। अगर ये 0.98 नहीं आकर 1.3 आ जाता तो ये आंसर अपना बिल्कुल गलत होता। हालांकि कैलकुलेशन में आ सकता है, लेकिन जो फाइनल जो रिजल्ट होता है ना वो अपने पास वन से छोटा ही आएगा, क्योंकि भी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ही है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें अपन, ये थर्ड वाला क्वेश्चन था भाई, ये कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था अपने पास, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। अपन ने फॉर्मूला लगाया, सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी, पी ए यूनियन बी की वैल्यू अपन ने निकाल ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पी ए यूनियन बी फाइंड करना है अपन को, पी ए यूनियन बी अपन को फाइंड करना है। चलो भी देखते हैं, चलो पी ए यूनियन बी अपन को निकालना है। पी ए यूनियन बी मेरे पास है, पी ए यूनियन बी जो है वो है अपने पास, पी ए यूनियन बी अपन को फाइंड करना है, सॉरी, और टू पी ए की वैल्यू दे रखी है, टू पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू 5/13 इक्वल्स टू 5/13 ये वैल्यू अपन को दे रखी है। और ये बोल रहा है पी ए अपॉन बी आप ज्ञात करो, पी ए अपॉन बी निकालो।
सॉरी पी ए अपॉन वी भी दे रखा है, पी ए अपॉन बी टू अपॉन फाइव है मेरे पास। तो बेटा देखो अपन को दो तीन चीज़ इसने दे दी, एक तो ये इसने पी ए क्यों दे दी, एक पी बी क्यों दे दी, और इसने इसने पी ए अपॉन बी दे दिया, और पूछा क्या है पी ए यूनियन बी पूछा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, इसने ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके दी हैं, इसने ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके दी हैं, टू पी ए इक्वल किसके हैं पी बी के इक्वल हैं, और पी बी किसके इक्वल है फाइव अपॉन थर्टीन के इक्वल है। तो बेटा जी देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए इक्वल टू सी है और सी इक्वल टू बी है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना ए इक्वल टू बी है। अरे मेरी उम्र सपोज हो रही है, मेरी उम्र है, मेरी उम्र किसी प्रशांत के बराबर है और प्रशांत की उम्र जो है वो किसी अंकित के बराबर है, तो मेरी और अंकित की उम्र भी तो बराबर होगी ना। जैसे मान लो ये टू है, ये टू है, तो ये भी टू होगा, सिंपल सी बात है। ये टू इस टू के बराबर है और ये टू इस टू के बराबर है, तो ये दोनों टू भी तो क्या होंगे बराबर ही होंगे। आ रही है बात समझ में? तो देखो भी टू पी ए अगर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब कि टू पी ए किसके इक्वल होगा फाइव अपॉन थर्टीन के इक्वल होगा। टू पी ए किसके इक्वल होगा फाइव अपॉन थर्टीन के इक्वल, तो पी ए क्यों लिखी आ जाएगी फाइव अपॉन ट्वेंटी सिक्स, पी ए क्यों लिखी आ जाएगी फाइव अपॉन ट्वेंटी सिक्स। ओके पी बी के लिए अपने पास कितनी आ गई फाइव अपॉन थर्टीन। ओके अपन क्या फाइंड करना है पी ए अपॉन बी निकालना है, पी ए अपॉन सॉरी पी ए यूनियन बी निकालना है। पी ए यूनियन बी के लिए अपन को फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी होता है। चलो भाई इसमें अगर फॉर्मूला लगा भी दे तो अपने पास अभी तक ये चीज़ मिसिंग है और इसके लिए अपन को इसने एक जुगाड़ दे रखा है, वो जुगाड़ क्या है पी ए अपॉन बी वाला जुगाड़ है, वो जुगाड़ क्या है पी ए अपॉन बी वाला जुगाड़ है। तो पी ए अपॉन बी क्यों देखो भी कैसे निकालेंगे अपन, अपने यहाँ पर लिखेंगे वी नो देट, वी नो देट अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए अपॉन बी क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी होता है, क्योंकि अपन को ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पी ए अपॉन बी क्या है मेरे पास, पी ए अपॉन बी मेरे पास टू अपॉन फाइव है। ओके पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास कुछ नहीं है, पी बी है मेरे पास, पी बी कितना है मेरे पास फाइव अपॉन थर्टीन है, फाइव अपॉन थर्टीन। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई ये कितना आएगा भाई फाइव अपॉन थर्टीन, ठीक इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके फाइव से फाइव कैंसिल आउट, टू अपॉन थर्टीन इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी जैसे मेरे पास आ गया तो सारी चीज़ इसमें रखो, आपके पास जो रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। चलो अभी चेक करते हैं पी ए प्लस पी बी, पी ए मेरे पास कितना है, पी ए मेरे पास फाइव अपॉन ट्वेंटी सिक्स है। चलो भी प्लस में प्लस पी बी, पी बी के मेरे पास कितना है, पी बी मेरे पास फाइव अपॉन थर्टीन है। ओके उसके बाद माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास टू अपॉन थर्टीन है इक्वल्स टू क्या है भाई मेरे पास पी ए यूनियन बी, थर्टीन मैंने इसका एलसीएम लिया, सॉरी ट्वेंटी सिक्स मैंने इसका एलसीएम लिया, कितना आएगा भाई फाइव प्लस में टेन और माइनस का फोर इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी, कितना होगा अभी ये फिफ्टीन माइनस फोर इलेवन अपॉन ट्वेंटी सिक्स इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाले जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने जो दोस्त हैं उन तक भी आप इसको शेयर करें। धन्यवाद।